हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रियाज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब टैग रियाज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबरों को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबरों को हाइड कैसे करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, आप अगर अपने सब्सक्राइबर हाइड करके रखते हैं तो दोस्तों उससे आपको फ़ायदा ही होता है। तो दोस्तों, तो किस तरह से होता क्या है दोस्तों, अगर आपके सब्सक्राइबर 1000 से या 100 से कम है तो दोस्तों आपको सब्सक्राइबरों को हाइड करके रखना है। तो दोस्तों, अगर किसी के सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा हैं तो दोस्तों लोग उसी को सब्सक्राइब करते हैं, और दोस्तों अगर आपके सब्सक्राइबर 1000 से या 100 से कम है तो दोस्तों आपको कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब उन्हीं को करते हैं जिनके सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, किस तरह से आप अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबरों को हाइड कर सकते हैं, तो दोस्तों कैसे आप अपने सब्सक्राइबरों को छुपा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आप देख सकें हमारी और वीडियो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको क्रोम ब्राउज़र में आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये रहा मेरा क्रोम ब्राउज़र, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, आपको ऊपर की साइड में तीन बिंदु दिखाई देंगे, आपको तीन बिंदु के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको डेस्कटॉप साइड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये रहा यूट्यूब, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने कंप्यूटर की तरह पेज खुल करके आ जाता है। आपको यहाँ पर इस तरह से पेज दिखाई देगा, जिस तरह से कंप्यूटर का पेज ओपन होता है उसी तरह से आपको यहाँ पर पेज दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है वो आप ध्यान से समझिए। तो दोस्तों, आपको ऊपर की साइड में अपने चैनल का लोगो दिखाई देगा, आपको अपने चैनल के लोगो के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है, यहाँ पर मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर ये रहा मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो, तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा यूट्यूब स्टूडियो का। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर इस तरह का पेज दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है वो आप ध्यान से समझिए। तो दोस्तों, आपको नीचे की साइड में एक सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, छोटा सा कोने में बिल्कुल आपको एक सेटिंग का आइकन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर सेटिंग के आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये रहा नीचे की साइड में सेटिंग का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने सब्सक्राइबरों को हाइड करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर चैनल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एडवांसड सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ सिलेक्ट करना है। ऊपर की तरफ सिलेक्ट करने के बाद आप तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सब्सक्राइबर काउंट, और आपको यहाँ पर एक नीचे टिक भी लगा हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ये टिक जो यहाँ पर लगा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सब्सक्राइबर यहाँ पर हाइड हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने सब्सक्राइबरों को हाइड करना, तो दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर कोई भी नहीं देख पाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अनटिक कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर एक अनटिक कर देना है। और दोस्तों, अनटिक करने के बाद आपको नीचे की साइड में सेव का फीचर्स दिखाई देगा, आपको यहाँ पर सेव के फीचर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके जो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो सब यहाँ पर हाइड हो जाएंगे, और दोस्तों यहाँ पर आपके सब्सक्राइबर कोई भी नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से करके आप अपने सब्सक्राइबरों को हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आप देख सकें हमारी और वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।